हेलो दोस्तों, चटपट फूड में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर जरूर करो। हम यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट इजी टू मेड फूड्स लाते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैगी मसाला ओट्स नूडल्स। यहाँ पर देख सकते हैं मैगी मसाला ओट नूडल्स है, न्यूट्री लूस, और इसमें ट्राई गुड 20 स्पाइस एंड हर्ब्स है इसमें, और 72 ग्राम्स का है। कैरेट है, मिर्ची है, प्याज है, और यहाँ पर ओट्स देख सकते हो। इसकी प्राइस होगी, मुझे प्राइस कितनी है इसकी, यहाँ तो प्राइस कुछ आसार नहीं दिख रहा है। इसकी प्राइस है 25 रुपीस, और यहाँ पर आपको कैसा करना दिखाया गया है। ब्रेक द नूडल्स, आटा नूडल्स कुक इन 4 पार्ट्स, और डालकर इसमें ऐड मसाला टेस्टी बिंग बॉईल, और कुक फॉर 3 मिनट्स, स्टिर इट कंटिन्यूसली। तो हम इसको फाड़ता हूँ मैं यहाँ से पंची मदद से कट कर लेंगे ऊपर से। हमने इसको कट कर लिया है यहाँ से, और यहाँ पर देखिए आटे के कलर का है यार नूडल्स। देखिए आप आटा बोलते हैं ना, आटा जैसा होता है, आप में से रोटी कैसा खाते हैं उसका आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही कलर का है ब्राउन। और चलिए इसे बनाकर बताता हूँ मैं कैसा है ये। सो दोस्तों, हम इसमें फर्स्ट पानी डाल लेंगे यहाँ पर। तो हमने वाटर डाल दिया है, और यहाँ पर है हमारा आटा नूडल्स। तो हम इसको तोड़ कर डाल देंगे इसमें, तो हमने इसको तोड़ कर इसमें डाल दिया है। तो उबाल के लिए कुछ वेट करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो चटपट फूड को, तो ये उबाल आ रहा है। तो हम थोड़ा पानी और डाल देंगे, तो आप देख सकते हो उसका आपने आटा नूडल्स खाए हैं या नहीं खाए। आटा नूडल्स विद ओट्स का है कहते हैं, तो आपने खाया है या नहीं खाया, तो ये थोड़ी देर पकने दीजिए। दोस्तों, हमने इसको मसाले को ओपन कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो आप कॉर्न वो है इसमें, मसाले अलग अलग है, नॉर्मल मैगी मसाले से कुछ अलग है इसमें। तो हमने इसमें डाल दिया है कॉर्न वो ये, और मसाले को ऐड कर दिया है। तो हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि सारा मसाला इसमें चल जाए। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और कॉर्न भी पक जाए, जो वेजेस होते हैं ना उसे भी पकाने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत मिक्स करना होगा। तो देखिए यार दोस्तों, हमारा फूड हो गया है रेडी। तो हम इसको खाकर बोलते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए खाकर बोलते हैं। दोस्तों, हमने पका लिया है, तो आप देख सकते हो हमारा आटा नूडल्स हो गया है रेडी। तो इसको टेस्ट करके बोलता हूँ कैसा है। बहुत ही अलग सा टेस्ट है यार, नॉर्मल मैगी के ऐसा नहीं है। जैसे रोटी होती है ना वो है, और अलग टेस्ट है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए चटपट फूड को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।